सरदार वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस ना दिखाएं कि हर एक चीज के लिए वो जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा बोला नहीं था कि चिराग जी के वजह से हुआ, उनकी पार्टी के वजह से हुआ। वो महाजंगल राज जो हमेशा वो बोलते आ रहे हैं, उनको अभी दिखना ही बंद हो गया और अचानक से अभी आपको लगने लग गया कि सारी जो जिम्मेदारी है वो ऑनरेबल सीएम के ऊपर है। बोलेंगे कि आपने जंगल राज उस वक्त देखा ही नहीं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना लौट चुके हैं और पटना लौटते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया, खासतौर पर एमएलसी चुनाव में हुए जो घटनाक्रम टिकट बंटवारे को लेकर, उसको लेकर और चाचा पशुपति पारस को लेकर। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा है, जानने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान ने कल जिक्र किया कि आप लोगों का टिकट कट गया उनकी वजह से। देखिए ऑनेस्टली बताएं, हर बार वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस ना दिखाएं कि हर एक चीज के लिए वो जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है एनडीए के साथ हम लोग हैं, तो एनडीए के साथ जो रहेंगे हम लोग उनके साथ देंगे। और इसीलिए डीएन सिन्हा जी को ऑलरेडी निष्कासन पत्र हम लोगों ने जारी किया और आप लोग देख भी पाए होंगे, मैंने सारे मीडिया को भी ये चीज भेजा था। तो कभी ना कभी देखिए उनको ऐसा लगता है कि भाई उनके वजह से हुआ। हम लोगों ने कभी ऐसा बोला नहीं था कि चिराग जी के वजह से हुआ, उनकी पार्टी के वजह से हुआ। ये हम लोग का डिसीजन है कि हम लोग एनडीए के साथ है और एनडीए के प्रत्याशी को ही हम लोग को सपोर्ट करना है, और जो उनके खिलाफ जाएगा हम लोग उनके साथ नहीं। और इसीलिए डीएन सिन्हा के ऊपर कार्रवाई भी और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। क्या लगता है आप लोगों को, खबर थी कि टिकट मिल रही है, चिराग पासवान ने अपोज किया, आपका टिकट कट गया, तो पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में चिराग से पहले से हैं, मंत्री भी हैं, तो चिराग की वजह से पशुपति पारस को अब एनडीए में नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले तो अभी तक उन्होंने ये क्लियर भी नहीं किया ना, और कल आते साथ ही उन्होंने बोल भी दिया कि भाई अचानक से पता नहीं उनको महाजंगल राज जो हमेशा वो बोलते आ रहे हैं, उनको अभी दिखना ही बंद हो गया। और उन्हीं के कहने पर उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग हमेशा बोलते रहते थे जंगल राज जंगल राज। तो भैया जब आपके पिताजी जब थे, जब उन्होंने जब 29 सीट जब उन्होंने वहां पे ये किया था, ये था, तो वो भी आपके जंगल राज के अगेंस्ट जाके उन्होंने जीता था। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले 1990 से लेकर 1990 से लेके 2004 का दशक आपने देखा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, और अचानक से अभी आपको लगने लग गया कि सारी जो जिम्मेदारी है वो ऑनरेबल सीएम के ऊपर है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई, ईडी, सब चीज का रेट जो वो गलत है, तो कहीं ना कहीं उनको अभी ये दिशा क्या कहते दिख रहा है कि वो एनडीए में कहीं पे भी नहीं है बोल के अभी उनको आरजेडी के साथ जाना है। तो उनके सपोर्ट में अभी बहुत सारी चीजों का वो बयान देंगे। तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान और क्या क्या उपाधि उनको दी गई, मोदी जी में आस्था रखते हैं, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चिराग जाना चाहते हैं? बिल्कुल, बिकॉज आप आते साथ ही अगर ये बात बोलेंगे कि आपने जंगल राज उस वक्त देखा ही नहीं, तो भैया आपके पिताजी के जब वो जब क्या कहते ये आपके चुनाव जब लड़े थे तब आप कहाँ थे? आपको नहीं पता कि क्या क्या हुआ था? तो मतलब आप जितने भी बातों को आपने कहा था, आप अपने ही बातों को अभी धीरे धीरे नकार रहे, तो इससे यही साबित होता है ना, क्योंकि आपने अभी तक अपना स्टैंड एनडीए में क्लियर किया ही नहीं, आपने पता ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। आप तो वही कर रहे हैं कि भाई अभी चलिए ये अच्छी बात है कि आप इतना दिनों बाद पटना आए हैं, फिर से आई थिंक 2 या 4 दिन के टूर पर फिर आप जाएंगे वापस। तो भैया अगर आपको सही में राजनीति करनी थी तो आपको पहले बिहार में रहना है ना, वो तो आप रह नहीं रहे हो, जम्मू ही आपका सांसद है, वहां पे बारे में आप बात नहीं कर रहे। और बात करने पर जहां से हम लोग भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं जहां पे आपके एनडीए के आपके क्या कहते प्रत्याशी है, वहां पे आप अपने ही एक अलग सा एक ये लेके आ रहे कि नहीं भाई हमारे वजह से हुआ। आपके खिलाफ चिराग पासवान लड़ाई लड़ेंगे, नीतीश कुमार और आपके खिलाफ लड़ेंगे, उन्होंने जिक्र किया है। हाजीपुर में भी पिछली बार एमएलसी चुनाव हुआ तो चिराग पासवान का एक ऑडियो वायरल हुआ था, और इस बार भी आपको लगता है कि इस बार टिकट नहीं मिला, अगर आप लड़ती उस जगह पर तो चिराग पासवान लड़ते, कितना कंटेस्ट होता? देखिए ऑनेस्टली बताए, चिराग जी अपना स्टैंड को पहले क्लियर करे कि भाई वो निर्दलीय है या फिर वो एनडीए के साथ हैं, या फिर वो आरजेडी के साथ जाके बना रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, आप एनडीए में उनको मानती हैं? देखिये हम लोग शुरू से ही बोले कि अगर वो एनडीए में आएंगे तो उनका स्वागत है, मिनिस्टर साहब खुद बोले। अब ये खुद ही अपने घर से बाहर जाके बागी हो रहे हैं तो उनका चॉइस है। और जब अभी आपके लोकसभा का क्षेत्र चल रहा है, पार्लियामेंट में सारे सांसद है, उसी वक्त उनको पटना आना था। क्यों भाई, आप अपना लोकसभा सांसद, अब माने आप अगर पार्लियामेंट के अगर आप सांसद हो तो आपको अभी होना चाहिए ना दिल्ली में, वहां पे आप छोड़ के अभी आप पटना में। रीजन बहुत सिंपल है सनी, अभी उनको पूरा लाइमलाइट
होगा और उनको अभी पूरा काम करना है, दिखाना है कि भाई हम आ गए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर वही 4 दिन के लिए आएंगे और फिर वापस जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग से राजनीति नहीं होती है, उनको रुकना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा जो वो क्लियर नहीं कर रहे। और बहुत ज्यादा बात करने पर आज तो क्या कहते हैं उनके जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट है राजू जी का भी आजकल एकदम नीचे स्तर पर बयान बयान आता है। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि उनको हो क्या गया, या तो शायद पूरी पार्टी का ही जो एक आइडियोलॉजी है बात करने का, शील नाता का, वो लोग शायद ये सारी चीजें भूल चुके। और ये भूलने का रीजन पता है क्या है, क्योंकि उनको जाना एक ऐसी पार्टी में जहाँ पे सम्मान दिया ही नहीं जाता। यस मैं बात कर रही हूँ आरजेडी की, जो एक राउडी पार्टी है, क्या कहते हैं, जहाँ पे कोई भी भद्र समाज के लोग एक महिला भी जाने से डरती है। ये तो मैं तो एकदम खुले हम आपको बोल रही हूँ। एक सवाल लगातार उत्पन्न होता है कि चिराग पासवान जिक्र करते हैं कि वो एनडीए में है, आप लोग भी एनडीए में है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है, पशुपति पारस को सीट मिल जाता है, चिराग को नहीं मिलता है, एनडीए में कमिटी की बात होती है, हर मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, तो चिराग अलग रहते हैं। क्या लगता है उनकी बातचीत नहीं बन पा रही है या उनका डिमांड ही कुछ ज्यादा है? देखिए डिमांड ज्यादा उनका भी माना जाएगा जो काम करेंगे। आपको एक एक जगह का सांसद आपको बनाया गया, वो है जमुई, आप वहां पे काम नहीं करेंगे, आप अड़े हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, तो आप यू कैनॉट बी, मैंने आप मैंने एक निगोशिएशेबल पोजीशन पे आप हो ही नहीं। आप पहले एक जगह जीत के तो दिखाओ या फिर आप चुनाव लड़ के दिखाओ। खिलाफ लड़ना चाहते हैं, मेन बात वही है कि वो घर में ही लड़ाई करना चाहते हैं, उनको कोई बिहार के विकास से मतलब नहीं है। बार बार एक ही बात बोलने पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात वो कर रहे हैं, लेकिन भाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी तो तब होगा ना जब आप अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। और आप एक ऐसी पार्टी का अभी सपोर्ट करने ही जा रहे हैं जो सीबीआई और ईडी के रेड में घिरे हुए हैं, तो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? इतना दिन लोग आपको सपोर्ट किए क्योंकि आपने हमेशा अपने आपको हनुमान बताया है पीएम का, अभी आप ही अपने बातों को नकार रहे हो, तो ये उनके लिए चैलेंज है, हमारे लिए नहीं है। हम लोग 100% एनडीए के साथ हैं। एक चर्चा अक्सर उठती है कि चिराग पासवान के जनसभाओं में जो भीड़ होती है वो भाजपा के लोग होते हैं, आपका क्या? बिल्कुल एकदम सही। देखिए एंड दूसरी बात सनी, आप एक बात बता, एक तो वो पहले हीरो थे, फिर वो अभिनेता से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो लोग उनको, आप एक तो देखिए जब आप कोई बड़ा सभा करते हो ना, जब आप माइक में बोलते हो किसी को सुनाई नहीं देता है, तो लोग सिर्फ उनका सेल्फी लेने फोटो लेने आते हैं, और वही भीड़ दिखा के वो ये बताना चाह रहे कि भाई मेरे पास जनाधार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज उनको भी समझना पड़ेगा। आप 4 दिन के लिए हेलीकॉप्टर से आओगे, हेलीकॉप्टर से जाओगे और आप राजनीति करोगे, और ऊपर से आप आके ये बताओगे कि भाई अभी आप एनडीए के साथ अभी आप नहीं हो, और 2 दिन पहले आप संजय जायसवाल जी के साथ फोटो तो आप अपने क्या कहते हैं फेसबुक या फिर अलग अलग जगह आप उसको शेयर करोगे, तो आप खुद ही अपने आप को कंफ्यूज दिखा रहे हो जनता के पास, और धीरे धीरे ये जनता को भी आप समझ में आ रही है। देखिए बिहार में चिराग पासवान को लेकर जब भी चर्चाएं होती है तो चाचा पशुपति पारस भी प्रासंगिक हो जाते हैं, और इसलिए कि भाजपा ने असली लोजपा शायद चाचा को मान लिया है, हर बार ये देखने को मिला है। सिंबल को लेकर चर्चा हो रही है, देवजानी जी क्या लगता है आप लोगों को इसमें जीत मिलेगी सिंबल और पुराना नाम? देखिए ऑनेस्टली बताए सिंबल को लेकर चर्चा तो यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम सांसद है, 5 के 5 सांसद है, और जिसके पास क्या कहते हैं सांसद ज्यादा होगा उसी को मिलेगा। एंड मोरओवर वी आर 100% डेडिकेटेड टू एनडीए। आप एक बार एनडीए का समर्थन करोगे, फिर आप उनके विरोध करोगे, फिर आप उनको ये बोलोगे कि भाई जंगल राज तो पहले था ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने आपको वो बोला है, मतलब कहीं पे भी आपके बातों के साथ आप जो अभी बोल रहे हो उसका कहीं ना कहीं वो आपका क्या कहते हैं अलाइनमेंट नहीं है, और जब चीजों का अलाइनमेंट नहीं होता है तो यही सारी प्रॉब्लम आती है, जो अभी हमारे चिराग जी जो पूर्व पार्टी के जो हमें मेरे जो पूर्व पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट से उनके ऊपर अभी आ रही है, तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। हमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। अभी आज हमारा राघोपुर में बहुत बड़ा अभी आज एक क्या कहते मीटिंग है जहां पे हमारे क्या कहते मंत्री जी भी गए हैं, और बहुत सारी और भी चीज आपको समय समय पर बताते रहेंगे जो अभी हम लोग आगे अपने पार्टी के लिए करने वाले। देखिए बिहार में चिराग पासवान को लेकर इस तरह की चर्चाएं अब आम हो चली है, और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर देवजानी मित्रा ने बड़ा आरोप लगाया कि वो राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है, राजद के साथ जाना चाहते हैं,
और इसलिए भूमिका बना रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि रामविलास पासवान जब जीते थे पहली बार और अपने विधायकों को जीता कर लाए थे तो उसी जंगल राज के खिलाफ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।